गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी एस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर विकास सक्सेना एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आई होप यू हैव रिसीव्ड प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ कम टू द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प to use a computer system and make the hardware run, software can be classified in the following categories. Software एक set of program होता है, बहुत सारे programs का एक collection software कहलाता है। जो भी computer system में process होती है वो with the help of software होती है, और software सारे programs जो होते हैं software के वो hardware को instruction देते हैं run करने के लिए, process करने के लिए। software की कुछ categories होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटीज। आइए समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क्स एट द इंटरनल लेवल ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरनल लेवल पर काम करता है कंप्यूटर के, और जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं। हाउ टू मैनेज इट्स रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ होते हैं और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ज़रिया बनाते हैं, इंटरफेस की तरह काम करते हैं, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को यूजर तक पहुंचाता है और समझ के यूजर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। ऐसे ही वाइस वर्सा। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा, लिनक्स एंड यूनिक्स। आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम गिवन होने चाहिए, गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे, आपको उनको समझना है। जैसे विंडोज़ 8 और विंडोज़ विस्टा ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, लिनक्स एंड यूनिक्स ये आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ये आपके विंडोज़ के क्या हैं, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंक्लूड होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या था, सेट ऑफ प्रोग्राम विच इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू रन। कम टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमने तीन पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज। नाउ कम टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो मेन काम होता है वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करने के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट पेंट कैन नॉट बी यूज टू टाइप लेटर्स, इट कैन ओनली बी यूज फॉर ड्राॅइंग एंड कलरिंग पिक्चर। आपने पेंट के बारे में सुना होगा, एक विंडो में एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का जो मेन काम होता है वो ड्राइंग और कलर करने के लिए होता है किसी भी पर्टिकुलर पिक्चर को। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें लेटर्स टाइप कर दीजिए तो ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है जो कि कलरिंग के लिए होता है। MS Excel cannot be used for drawing and coloring. It can be used for calculation. जिस तरीके से MS Excel drawing और color नहीं कर सकता, इसका मेन काम होता है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। MS Excel में आप डेटा रिकॉर्ड बनाते हैं, देन उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं, फाइनली उसको एड सम, दीज आर सम कैलकुलेशन दैट MS Excel हैज। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर्स टू इनेबल द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज प्रोसेसिंग वर्ड्स, इन्वेंट्री कंट्रोल्स, हैंडलिंग कैलकुलेशंस एंड फिगर्स, मेडिकल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिजल्ट प्रिपरेशन, रेलवे रिजर्वेशन, बिलिंग। आपने स्टार्टिंग में ही देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स रिटन बाय प्रोग्रामर्स। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं प्रोग्रामर्स के थ्रू, वो इनेबल करते हैं कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो आपका प्रोसेस करना हो वर्ड को, किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो, आपको कैलकुलेशन को हैंडलिंग करना हो, या फिर मेडिकल अकाउंटिंग, या फिर रेलवे रिजर्वेशन। These are some terms that application software can perform, or it written by programmers. Simple है कि programmers ही application software को बनाता है, and after that ये specific task के लिए उसको
डेवलप करता है, जैसे कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए पर्टिकुलर एक एक टास्क के लिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेक्स द कंप्यूटर मोर यूजफुल फॉर पीपल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑब्वियस है कि ये कंप्यूटर में अगर होगा तो हमारे लिए आसानी होगी किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। इन केस अगर मुझे पेंटिंग करना होगा तो मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे ही जाना है और पर्टिकुलर ड्राइंग करनी है। इट हेल्प्स द यूज़र टू वर्क मोर इफिशियंटली, फास्टर एंड मोर मीनिंगफुली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड एज दीज टू कैटेगरीज। स्टार्टिंग में बोला कि कंप्यूटर को मोर यूजफुल बनाता है पर्सन्स के लिए, और ये एफिशिएंसली एफिशिएंट कैसे बनता है, क्योंकि हमें, जैसे मैंने अभी बताया कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी नो दैट हमें कहाँ पे किस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो ये फास्टर भी है और मीनिंगफुल है। आपने पेंट लिखा तो उसका नाम पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है तो पेंट में पेंट ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम लिख दिया अंदर कुछ होने वाला है, एक पर्टिकुलर मीनिंग और सेंस के साथ बनाया जाता है। ऐसे इसकी टू कैटेगरीज हैं, कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज टू कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। नाउ कम टू द कस्टम मेड एप्लीकेशन कैटेगरीज। आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कस्टम और जनरल, कस्टम और जनरल में बस इतना ही फर्क है। जनरल में क्या होता है, जो जनरली हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, बट कस्टम में ऐसा नहीं है। कस्टम में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंडिविजुअली काम करते हैं। कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम डेवलप्ड एज पर इंडिविजुअल नीड। जो भी कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेवलप किए जाते हैं, उनका काम इंडिविजुअल होता है, वो सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर आर अकाउंटिंग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फी कलेक्शन, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। आपने देखा लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, फी कलेक्शन हो गया, या होटल मैनेजमेंट की जो सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे स्पेसिफिक काम करते हैं। लाइब्रेरी में क्या होगा, सारी बुक्स का रिकॉर्ड होगा और कौन किसको किस डेट को उसको लेके चला गया, बोरो करके ले गया। ऐसे ही फी कलेक्शन स्कूल का हो गया, किसी भी बड़े कॉलेज का हो गया, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हो गया, उनमें काम करते हैं फ़ी कलेक्शन में। ऐसे ही होटल मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें भी पर्टिकुलर डिशेज कह सकते हो, उनके मेन्यू जो भी होते हैं और जो भी स्टाफ होता है उनकी पूरी डिटेल पर्टिकुलर तरीके से लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि होटल में आपको लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसीलिए इन्हें कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का काम पर्टिकुलर होता है, ठीक है। दीज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड यूजिंग अ सुटेबल कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको एक और चीज़ बताना है कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो जब बनाए जाते हैं तो किसी भी एक लैंग्वेज के जरिए बनाए जाते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू किया जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनके लिए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बट कुछ सिंपलर सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनके लिए कुछ आपका डॉट नेट जैसे जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज किया जाता है, या JSP कह सकते हो। दीज आर सम। अब मैं आपको और के इस जो मैंने अभी टर्म्स बताए थे आपके सर से ऊपर चली गई होंगी, क्योंकि बहुत ही नए हैं आपके लिए। इनकेस अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आगे की क्लासेस में उनके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। चलो शुरू करते हैं। अ सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड दिस वुड बी, इंस्टीड ऑफ बाइंग अ ब्रांडेड कंपनी शर्ट, यू गेट अ न्यू शर्ट स्टिच्ड एज पर योर मेजरमेंट। सिमिलरली यू यूज कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि जब आप किसी भी कंपनी में कंपनी की बात करते हैं, अगर आपको शर्ट परचेज करनी है तो आप ब्रांडेड कंपनी के चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है जो कि सिली सिलाई शर्ट भी आपके पास मिलती है। ऐसी तरीके से आपको पता है कि जब भी शर्ट लेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होकर आएगी, कहने का मतलब प्रॉपर सिली हुई आपके मेजरमेंट के हिसाब से होगी। ऐसी कस्टम मेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नाउ कम टू द जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग पैकेजेस भी बोलते हैं। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द एनवायरमेंट टू वर्क यूज द कंप्यूटर। यहाँ पे दो देखिए आप, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, कुछ इस तरीके से देखने में लगता है, ऐसे ही सिमिलर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, देखने में सिमिलर है लेकिन दोनों का परफॉर्म अलग अलग है। इसमें पेंटिंग होती है, इसमें आप लेटर टाइप कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट का काम पेंटिंग करना, बिकॉज पेंटिंग के यहाँ पे ऑप्शन भी हैं, यहाँ पे तो आप बना भी सकते हो, देखने में भी लग रहा है। यहाँ पे देखिए आप, आपके डिफरेंट टाइप के, अगर आपने ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो देखिए डिफरेंट टाइप के इसमें सिंबल्स दिए गए हैं लेटर्स को मॉडिफाई करने के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एक्सप्लोरर हेल्प्स टू ओपन वेब पेजेस एंड सर्फ द नेट।
एक्सप्लोरर का मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो भी हम लोग इंटरनेट की सर्फिंग करते हैं, तो उस सर्फिंग को करने के लिए जो भी हमें जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग ब्राउज़र बोलते हैं या फिर एक्सप्लोरर बोलते हैं। और एक्सप्लोरर का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ कॉमन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो मैंने भी इमेज दिखाई वो थे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, अब हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट हेल्प अस टू ड्रॉ द कलर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड हेल्प अस टू राइट लेटर्स, पोएम्स, जर्नल्स, बुक्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उसमें कर सकते हैं। इंटरनेट में मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं बताए, लेकिन अभी सुन लीजिए, जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, आपका सफारी वेब ब्राउज़र हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे कॉमन होता है। ठीक है, आते हैं यूटिलिटीज़, थर्ड सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में। यूटिलिटीज़ को समझना थोड़ा सा कंपेयर टू सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है। यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म रूटीन बट नेसेसरी जॉब्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम्स। जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे वर्क करती ही रहती हैं, इनको आपको ऑलवेज ऑलवेज क्या ना एक्सेस नहीं करना पड़ता। दीज प्रोग्राम मेक लाइफ इजियर फॉर अ यूज़र बाई डूइंग सेवरल रूटीन एंड इम्पॉर्टेंट जॉब क्विकली एंड इन एन ईजी मैनर। दीज जॉब इंक्लूड, ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर देता है और वो अपना काम करता रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर पीछे बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। अब कुछ बैकग्राउंड्स के सॉफ्टवेयर हैं, उन्हें ही हम लोग यूटिलिटीज़ कहते हैं, जैसे बैकअप ऑफ डेटा। आप बैकअप ऑफ डेटा मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो आप एक शेड्यूल बना सकते हो। आपने वन डे बना दिया, वीक बना दिया, मंथ बना दिया, ईयर बना दिया, तो इस हिसाब से वो आपका बैकअप क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, तो ये एक रूटीन नेसेसरी हो जाता है इसके लिए कि ये आपका, जैसे आपने 7 डेज का रूटीन दिया कि 7 डेज में मुझे एक पर्टिकुलर ड्राइव का बैकअप बनाना है, तो उसके लिए बस ये क्या करेगा कि आपका जिस दिन आपने स्टार्ट किया उस दिन बनाएगा बैकअप, एंड आफ्टर 7 डेज जब आप कंप्यूटर खोलोगे तो आपका बैकअप तैयार मिला होगा। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर अगर बंद होगा तो बैकअप कैसे मिलेगा, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कंप्यूटर्स ऑलवेज रन करता है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, इनकेस अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ किया होगा, तो अगर उसमें 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं, करेक्ट टाइम अगर है 12 बजे, तो आप लोग ने शट डाउन कर लिया कुछ काम करने के बाद, आपने शाम के 6 बजे खोला कंप्यूटर ऑन किया, देन आपने सबसे पहले आप टाइम चेक करिए, क्या टाइम 12 बजे ही था? नहीं, टाइम आपका 6 क्लॉक हो गया। इट मीन्स कि कंप्यूटर अभी भी वर्क कर रहा था, उसमें एक बायोस बैटरी होती है जो ऑलवेज वर्क करती है, कंप्यूटर्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे की क्लासेस में और डिटेल में बताने वाला हूँ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग द डिस्क इंटीग्रिटी, ये डिस्क की डिस्क ऑलवेज चेक करता रहता है। अब कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ड्राइव भरते हो या फिर आप कुछ भी काम करते हो, आपके मोबाइल की बात करते हैं, आप पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हो या पिक्चर क्लिक कर रहे हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, तो आपका स्पेस जब फुल फुल होने लगता है तो आपको एक मैसेज आने लगता है, सर हमारी जो स्टोरेज है वो फुल होने वाली है। तो ये मैसेज जो है ऑटोमेटिक आता है, ऐसा नहीं है कि आप जान के पूछते हो कि हाँ ये मैसेज आपका स्टोर फुल हुआ या नहीं हुआ, वो आपको खुद रूटीन में दे देता है। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर हैं जो बैकग्राउंड में वर्क करती हैं, वही आपकी यूटिलिटीज़ हैं। रिकवरिंग एक्सीडेंटली डिलीटेड डाटा, हाँ ये ज़रूर आपका है कि मैनुअली आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जब भी इन केस कभी आप रिस्टोर या रिकवर करते हो तो कुछ डेटा हमारा स्किप हो जाता है, तो वो ये काम परफॉर्म करके देता है। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर का मतलब होता है कि जब भी आपकी डिस्क में स्पेजेस ऐसा होता है, मैं आपको सिंपल सा समझाऊँ, तो अगर आप एक स्क्वायर समझते हो, सपोज ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, हर बॉक्सेस में एक इन्फॉर्मेशन गिवेन है, आपने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया तो वो स्पेस जो है वो आपका फिल नहीं हुआ, वो एम्प्टी हो चुका है। अब आपने आगे बढ़ते गए और वो बहुत दिन हो गए, वो पर्टिकुलर स्पेस आपका एम्प्टी का एम्प्टी ही रहा। लेकिन जब क्या होता है कि जब डिफ्रैगमेंटर का काम करता है, ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है, तो वो इस स्पेस को भी फिल आउट कर देता है अरेंज करके। तो डिफ्रैगमेंटर का काम क्या होता है कि स्पेस को मेंटेन रखना। डिस्क क्लीनअप में क्या होता है, कुछ टेम्पररी फाइल होती हैं जो अनवांटेड भी होती हैं, उनको क्लीन करना, ऐसे ही एंटीवायरस भी परफॉर्म करता है। ये देखिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये आपका कंप्यूटर में ही होता है, यहाँ पे देखिए आपके ड्राइव्स गिवेन है, आपकी सी डी ई, दीज आर ड्राइव्स,
ठीक है, आपने देखा होगा 0% फ्रेगमेंटेड जी, ये आपके आपको ऐसा दिखेगा जब भी आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो आप यहाँ पे चाहो तो डिफ्रेगमेंटर में क्लिक कर सकते हो और फाइनली अपना सिस्टम को और स्पीड दे सकते हो। ऐसे ही आपका यहाँ पे एक क्विक व्हील करके एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियस है ये आपका यूटिलिटीज में भी आ जाता है और ये आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये आपकी जो भी आपकी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, ईमेल्स हैं, इंटरनेट्स हैं और जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो सिस्टम में, उनसे प्रोटेक्ट करता है, उनमें अनवांटेड डेटा को अपने आप ऑलरेडी चेक कर देता है। इन केस आप कोई वायरस से इन्फेक्टेड होते हो, आपके सिस्टम इन्फेक्टेड होता है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि सर आपके सिस्टम में एक वायरस आ चुका है, तो ये आपने चेक नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आपको अवेयर कर देगा। तो इस टाइप की बैकग्राउंड एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ में आती हैं। बढ़ते हैं आगे, आगे का टॉपिक हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत डिटेल में समझना है। इससे पहले आपने बैकग्राउंड में जो भी बैकग्राउंड मतलब पहले के जो दो क्लासेस हुई थी उनको नहीं देखा, प्रॉपर तरीके से उनको डिटेल में देखिए जाके, तभी हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस में समझेंगे, क्योंकि ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों के करियर बनाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।